3 नवंबर को देर रात नेपाल में जोरदार भूकंप आया था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई थी। झटके दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में भी महसूस किए गए थे। 5 नवंबर तक जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस भूकंप के कारण नेपाल में 157 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। इस शक्तिशाली भूकंप के बाद भी नेपाल में आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए, जिसने लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी। लोग पहले ही भूकंप के तेज झटकों से संभल नहीं पाए थे कि दोबारा 3.3 की तीव्रता का भूकंप आ गया। 3 नवंबर को आया अर्थक्वेक इतना ज्यादा असरदार रहा कि कई इमारतें ढह गईं, कितने ही लोग मलबे के नीचे दबे मिले। माना जा रहा है कि इसके कारण सबसे ज्यादा नेपाल के जाजरकोट और रुकुम में तबाही मची है। यहाँ जानमाल को काफी नुकसान पहुंचा है। जानकारी के अनुसार भारत नेपाल बॉर्डर से लगभग 98 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जाजरकोट भूकंप का केंद्र रहा। लोगों ने सुनाई आप बीती। इस भूकंप ने कितनी तबाही मचाई है इसका अंदाजा तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, लेकिन जिन पर गुजरी उनके दुख का अंदाजा भी लगा पाना शायद मुश्किल है। कितने ही लोगों के घर उनकी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। जहां कभी उनके सपनों का घर हुआ करता था, वहां आज ईंटें और मलबा पड़ा दिखाई दे रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके शरीर पर लगे जख्म तो शायद जल्द ही भर जाएंगे, लेकिन भूकंप के कारण उनके जीवन में मची तबाही को भूल पाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। एक शख्स ने बताया कि लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आ गए थे और उन्हें खुले मैदान में सोना पड़ा। हम रात भर यहीं पर सोए हैं, इसलिए हम बहुत परेशान है। आपको कहाँ चोट लगी थी? आपको हाथ में चोट लगी थी, हाथ में डूंगा गिर गया था, इसलिए हाथ में चोट लगा था। ये स्कूल के ग्राउंड में पाल उठ कर रात भर वहीं सोते हैं डर के लिए। घर भी घर में घर का कोई मतलब नहीं, उनको अपना जान बचाना है, इसलिए सब सोए। जाजरकोट में अस्पताल के बेड पर लोग सुबक सुबक कर रो रहे हैं। किसी ने अपने घर को खोया तो किसी ने किसी अपने को हमेशा के लिए गवा दिया। भूकंप से ग्रस्त इलाकों में लोगों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी भी तुरंत शुरू कर दी गई थी। भारत बना मसीहा। इस मुश्किल घड़ी में पड़ोसी देश की मदद के लिए भारत आगे आया है। भारत ने नेपाल को रिलीफ मटेरियल भेजा है, जिसमें खाने पीने का सामान और जरूरी दवाएं शामिल हैं। मेडिकल सप्लाई की बात करें तो भारत ने नेपाल को लाइफ सेविंग ड्रग्स के साथ साथ सर्जिकल सामान भी भेजा है, ताकि पीड़ितों की मदद की जा सके। बता दें कि 5 नवंबर को भारत के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबल मास्टर के जरिए राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाई गई। भारत ने सबसे पहले मदद का हाथ नेपाल की ओर बढ़ाया है। पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नेपाल में आए भूकंप के कारण मची तबाही पर शोक जताया है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।